हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों 1952 में जो टॉप 5 फिल्में बॉलीवुड की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1951 में जो सबसे ज्यादा फिल्में कमाई की थी वो कौन कौन सी फिल्म थी, और अब मैं बताऊंगा कि 1952 में कौन कौन सी फिल्म है वो मैं बताऊंगा। तो उस दौर में दिलीप कुमार, देवानंद जैसे कलाकारों का दबदबा चलता था और उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा चलती थी, और उसके अलावा राज कपूर की भी फिल्में बहुत चलती थी। तो मैं आपको बताऊंगा उस 1952 के टॉप 5 फिल्में कलेक्शन वाइज जो सबसे ज़्यादा टॉप 5 सबसे बड़ी हिट फिल्मों के अनुसार कौन कौन सी वो 5 फिल्में वो मैं आपको बताऊंगा। पांचवें नंबर पर है अनहोनी, और अनहोनी के जो कलाकार थे वो नरगिस और राज कपूर थे। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी सुपर डुपर हिट थी। और उन्होंने दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी है। चौथे नंबर पर है दाग, दिलीप कुमार, निम्मी, उषा किरण ये सब कलाकार थे, और दिलीप कुमार साहब का जो करीब 3 से 4 दशकों में बॉलीवुड में राज किया उन्होंने, और एक्टिंग के खुदा माने जाते हैं दिलीप कुमार, और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है दाग। तीसरे नंबर पर है 1952 में टॉप फिल्मों में से एक तीसरे नंबर पे जो कि वो है जाल। जाल जो कि देवानंद की फिल्म है, और उसके अलावा देवानंद के अलावा गीता वाली भी थी इस फिल्म में। सेकंड नंबर पे जो कलेक्शन किया सबसे ज्यादा 1952 में वो बेजू बावरा ने किया। बेजू बावरा जो कि मीना कुमारी की फिल्म थी, और मीना कुमारी ने क्या जबरदस्त रोल किया बेजू बावरा जो कि आज भी कई फिल्मों के इंस्पिरेशन है। और संजय लैला भंसाली जो कि करंट डेज में इन दिनों वो उसी टाइप के ही मूवी बनाते हैं बेजू बावरा टाइप के। और नंबर वन पे जो 1952 की जो सबसे बड़ी हिट मूवी थी वो थी आन। आन दिलीप कुमार और निम्मी और नादिया इन तीनों की फिल्में थी, और दिलीप कुमार उस समय के टॉप एक्टर थे। आन जो कि नंबर वन फिल्म थी 1952 की। तो 1952 की ये टॉप 5 फिल्में थी, और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लाएंगे जो कि 1953 की टॉप 5 फिल्में। और उसके अलावा आप हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है अलग अलग स्पोर्ट्स के, अलग अलग बॉलीवुड्स के, और उसके अलावा कई सारे ब्लॉगिंग वीडियोस, फनी वीडियोस, आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। ये ऑल इन वन है मेरा चैनल, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।